मंगलवार को नेमावर में आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के दर्शन हेतु आईपीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ जिले के पुलिस कप्तान एवं कलेक्टर ने नवागत थाना प्रभारी उपेंद्र छारी को इंदौर रोड पर गुराड़िया फाटे पर किए गए भारी मात्रा के रेट के स्टॉक पर एवं नगर में चल रही शराब की बिक्री एवं जुए के सट्टे की गतिविधियों पर नकेल कसने की हिदायत दी थी, जिस पर थाना प्रभारी ने तहसीलदार अलका इक्का के साथ प्रभावी कार्यवाही करते हुए 52,000 घन मीटर के रेत स्टॉक के साथ 4 पोकलैंड मशीन जब्त की है। कार्यवाही कर उक्त कंपनी से रेत स्टॉक की परमिशन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवाने को कहा ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। छारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज श्री ससंघ सिद्धोदय क्षेत्र में चतुर्मास हेतु विराजमान है। उसी मार्ग पर सिखली करो द्वारा अवैध रूप से शराब विक्रय किए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए मंगल सिंह पिता पार्षद कुंवर सिंह सिखली कर उम्र 30 वर्ष का गुरुद्वारे के पास 31 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन के साथ मुकेश पिता पूरन सिंह सिखली कर उम्र 32 वर्ष को क्वार्टर प्लेन मदिरा के साथ रेस्ट हाउस चौराहे से रामकृष्ण पिता नानू राम गुज्जर को इंदौर रोड स्थित मां पूर्णा पेट्रोल पंप के समीप स्थित राठौर सम्राट ढाबे से 6 बियर केन एवं 20 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन के साथ धर दबोचा। वहीं बस स्टैंड से ओम प्रकाश पिता महेश चंद्र भदौरिया निवासी पेड़ीघाट नेमावर को खुद के होटल से 2490 रुपए एवं 2 सट्टा पर्ची के साथ व शब्बीर पिता मुसम्फ अली उम्र 62 वर्ष निवासी मस्जिद मोहल्ला नेमावर को 420 रुपए व 1 सट्टा पर्ची के साथ अस्पताल चौराहा स्थित खुद की भंगार दुकान से धर दबोचा। उक्त सभी आरोपियों को बस स्टैंड से थाने तक पैदल पुलिस लेकर गई एवं सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। क्योंकि बारिश का समय है, रेत भी नदी से निकालना प्रतिबंधित है, वर्जित है, और जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय का दौरा हुआ था। इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए थे कि जितने भी जो भी गतिविधियां चल रही हैं उनको अंकुश लगाए जावे। इसके चलते आज नायब तहसीलदार मैडम अलका मैडम और मेरे द्वारा थाना स्टाफ के द्वारा DIPL का रेत का एक स्टॉक काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टॉक किया था, जिसको आज संपूर्ण दस्तावेज न होने से इसको जब्त किया गया है। कुल 52,000 घन मीटर रेत जब्त की गई है। कुछ मशीनें पोकलैंड मशीनें जब्त हुई हैं, जिसके चलते अपने अभी इसको जब्त करके और जांच में लिया गया है जी। इसमें कितने अवैध उत्खनन किस मात्रा में किस तादाद में किया गया है वो जांच में है। पोकलैंड मशीन वगैरह कितनी करी सर? 4 पोकलैंड मशीनें अभी जब्त की हैं, सभी मौके पर हैं और वहीं पर उनको सीज किया गया है। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।